आज हम बात करेंगे फार्मा होलसेल अभी शुरू करना है तो कैसे शुरू करें, उसमें आज हम एलोपैथिक फार्मा होलसेल के बारे में बात करेंगे। वैसे कई सारे प्रकार के होलसेल आप कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, FMCG, जेनेरिक्स, तो हर एक का बिजनेस स्ट्रैटेजी अलग है। इवन दो आपके कस्टमर रिटेल ही रहेंगे, लेकिन इसमें बिजनेस करने का, इसमें मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, मैं मेडिसिन ब्रांड्स कंपनीज की बात करें तो अलग अलग कंपनीज हैं, और साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है वो भी डिफरेंट है। तो आज हम स्पेसिफिक एलोपैथिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो एलोपैथिक का होलसेल है वो मोस्टली बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि ये तो जैसे डिमांडेड मेडिसिन है। इसका बेनिफिट पहले ये होता है कि जो कंपनीज है, जैसे कि मान लीजिए टॉप एमएनसी कंपनी एबॉट, लुपिन, फाइजर, एलकेम, मैनकाइंड, ओके, ब्लू क्रॉस, इंडोको, जो भी कंपनीज है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, ये ऑलरेडी अपने ब्रांड एग्जिस्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल GSK का ऑगमेंटिन, वो काफी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, तो आपको इसकी एडवर्टाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑगमेंटिन ऑटोमेटिकली जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लैवम ऑटोमेटिकली जाएगा, पैंडी, ये रनिंग ब्रांड्स हैं, तो इसके लिए एफर्ट्स ऑलरेडी कंपनी की मार्केटिंग टीम ले चुकी है और ये एक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं ब्रांड्स, तो इसका रॉयल्टी आपको मिलेगा। इन मीन्स आपको जरूरत नहीं पड़ती इसकी मार्केटिंग करने की, जैसे जेनेरिक्स में पड़ती है, इवन कई कबार आयुर्वेदिक में भी पड़ती है। आपको एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा ब्रांड आपके पास रखना है, ठीक है, इसके अनुसार आपको सेल करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इजीली आपने जो भी डिमांडेड है वो मेडिसिन लेके और आपको फ्रॉम द डे वन अच्छा सेल मिल गया, इसके लिए आपको एफर्ट्स भी लेने होते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, इसमें रेट का कॉम्पिटिशन अलग है, ऑलरेडी इसमें कई सारे लोग जैसे 15-20 सालों से ये बिजनेस करते आ रहे हैं, तो उनका कॉम्पिटिशन अलग है, ऑलरेडी कस्टमर कई होलसेलर से अटैच है, तो आप अगर नया शुरू करते हैं तो उसके लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी भी जानना उतना ही जरूरी है। तो बेनिफिट्स है, क्योंकि एलोपैथिक का ओवरऑल सेल देखा जाए फार्मा में तो सबसे ज्यादा सेल एलोपैथिक का ही होता है कंपेयर टू द अदर डिफरेंट कैटेगरीज, तो क्योंकि ये तो एक प्रिस्क्रिप्शन में भी आते हैं और साथ में ओवर द काउंटर भी मांगा जाता है और कई कबार केमिस्ट भी पुश करते हैं इस मेडिसिन को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार आप एलोपैथिक होलसेल को स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में ग्रो भी कर सकते हैं, वन बाय वन हम बात करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अब इसमें शुरू करना है तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसिंग क्या होती है। अब आपको अगर होलसेल करना है तो कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लाइक 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है तो कुछ स्टेट में जहाँ पे फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप कोई अदर नॉन फार्मा नहीं शुरू कर सकता, तो इसके लिए फार्मा चाहिए, ठीक है। तो आपको इसकी जानकारी आपकी FDA में मिलेगी। FDA हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन सी वो देखिए और उस ऑफिस में विजिट करें और जानकारी लें। अब इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, फॉर्म नंबर 2021B सबमिट करना होता है, उसके बाद आपको विद इन 21 डेज, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो और आपके जो शॉप है उसका लगभग 150 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, अगर आप एक्सक्लूसिव होलसेल करते हैं, तो रिटेल विथ होलसेल करते हो तो 180 स्क्वायर फीट लगता है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपके डॉक्यूमेंटेशन है, एरिया है और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बाद आपको सबसे पहली स्टेप करनी है, मेडिसिन को परचेस करना है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, तो उसमें एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और दूसरा होता है अंडरकटर। अंडरकटर मतलब क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो देखिए। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जहां पे आप डायरेक्ट कंपनी से परचेस नहीं करते, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करते जो कंपनी का ऑथोराइज्ड डीलर होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि आप अगर शुरू करेंगे बिजनेस को तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, क्योंकि शुरुआत में आपके इतने काउंटर नहीं होते, इतना सेल एंड इतना मतलब टर्नओवर जो होता है वो इतना होता नहीं है, तो इनिशियली यू कैन परचेस फ्रॉम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, वो आप रिटेलर को सेल कर सकते हैं। अब आपसे मेडिसिन क्यों लेंगे या फिर आपका और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रेट में डिफरेंस आता है? तो बिल्कुल नहीं आता। कंपनी के स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं, PTR जो होता है, प्राइस टू रिटेल, ये फिक्स होता है। इसके लिए चाहे वो आपसे परचेस करे या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, मोस्टली रेट सेम ही होता है।
तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एलोपैथिक शुरू कर रहे हैं तो आप अंडरकटर शुरू करेंगे राइट। तो आप शुरू करते समय सबसे पहली स्टेप है कंपनीज को सिलेक्ट करना। अब कितनी कंपनी ले सकते हैं, वैसे आप 10 20 30 कंपनी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप कम कंपनी से शुरू करें, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तब आपका बिजनेस ग्रो करने में समय लगेगा। तो शुरुआत में कुछ ऐसी कंपनी ले जो रनिंग है। अब इसमें कंपनी लेते समय एक बात ध्यान में रखें कि कंपनी के वेरियस डिविजन्स होने जरूरी है। मतलब अगर कंपनी जनरल प्रैक्टिशनर में भी है, जनरल प्रैक्टिशनर के भी ब्रांड्स हैं, साथ में स्पेशलिटी की भी ब्रांड है, साथ में ओटीसी की भी ब्रांड है, तब आपको ये कंपनी लेनी चाहिए। एग्जाम्पल लिया जाए तो एबॉट है, सिप्ला है, जिनके ओटीसी भी ब्रांड है और वेल नोन ब्रांड जो है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में है, जैसे रिस्पायरेटरी कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है, देन हाइपर मतलब जो स्पेशलिटी है फिजिशियन कैटेगरी में भी ब्रांड्स आते हैं इनके। तो ये कंपनीज मैं रेकमेंड करूंगा। जो कंपनी फाइव कंपनी मेरे हिसाब से, सबसे पहले ही सिप्ला, सेकंड कंपनी आप ले सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज, थर्ड कंपनी आप ले सकते हैं एबॉट, नेक्स्ट कंपनी ले सकते हैं आप एल्केम, उसके बाद आपको ग्लेनमार्क या फिर यूएसवी लेनी है, क्योंकि ये दोनों के ब्रांड्स हाइपरटेंशन डायबिटीज ब्रांड्स काफी अच्छे चलते हैं। तो ये दोनों लेंगे तभी भी चलेगा। जो टेल्मा ब्रांड है सबसे बढ़िया रेंज होती है ग्लेनमार्क की, और जो इकोस्प्रिन है ये पूरी अच्छी रेंज है, जैसे ग्लाइकोमेट भी है इसमें यूएसवी की। ओके, तो ये कंपनीज आप लें, क्योंकि आप जब रिटेलर तक जाएंगे तो ये ब्रांड्स आपके चलने वाले हैं, तो डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ ऑर्डर जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे कितने ब्रांड्स लेने हैं ये भी डिसाइड करना है। कंपनी अब लेते हैं तो उसमें ब्रांड्स जो भी लेने हैं वो रनिंग ब्रांड्स लेने हैं। ओके, तो रनिंग ब्रांड्स आपके एरिया में आपको सर्च करने होंगे और उसके अनुसार आपको परचेस करना है। कुछ ब्रांड्स ओटीसी भी रखे, कुछ ब्रांड्स जो वेल रनिंग है वो, और कुछ ब्रांड्स है जो आपके एरिया में चलते हैं, आपके भले दूसरे एरिया में ना चल लेकिन आपके एरिया में चल रहे, तो धीरे धीरे वो आपको आइडिया आ जाएगी, तो उसके अनुसार आप इन्वेंटरी बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आप ब्रांड कंपनी को सिलेक्ट करें और ब्रांड्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कई सारा कॉम्पिटिशन है ऑलरेडी, रिटेलर कनेक्टेड है होलसेलर से, तो आपसे परचेस क्यों करें? तो आपसे परचेस करने के लिए आपको रीजन देना है। सबसे पहला रीजन हो सकता है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो आपकी इन्वेंटरी है जो उनको चाहिए उसी के अनुसार आपके पास स्टॉक है। सेकंड होता है कैश डिस्काउंट, आप एक अच्छा कैश डिस्काउंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हालांकि कैश डिस्काउंट ये आपके लिए लॉस ही होता है, क्योंकि जो आप कैश डिस्काउंट के तौर पर देंगे वो आपके प्रॉफिट मार्जिन से कट जाएगा। तो इसके अनुसार आपके पास जो 8% मार्जिन होता है, वो अंडरकटर को 8% मार्जिन होता है, उसमें से 2-3% दिया तो 5% ही बच जाएगा। लेकिन शुरुआत में मार्केट में कंटिन्यू रहने के लिए कैश डिस्काउंट कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज क्रेडिट। ओके, तो क्रेडिट भी आपके जैसे कि परचेस ज्यादा है तो क्रेडिट आप दे सकते हैं, लेकिन उसका यह भी है कि एक अच्छा परचेस होना चाहिए, साथ में उसको पेमेंट भी आना चाहिए टाइम टू टाइम, अदरवाइज फिर पेमेंट अटक जाएगा तो कंटिन्यूसली आप क्रेडिट देते रहेंगे तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको नया पैसा जनरेट करके वो उससे ऑर्डर लेनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनी से जब परचेस करेंगे तो आपको कैश परचेस करना होता है, क्रेडिट नहीं देती कंपनी। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको इसमें से कोई भी करे, कैश डिस्काउंट करे, क्रेडिट करे, या फिर इन्वेंटरी सब चाहिए वो रखे। एंड द नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप का कनेक्शन होना चाहिए हर एक रिटेलर से, डेली बेसिस पे कनेक्ट करें। अब देखिए शुरुआत में आप हर एक एरिया कनेक्ट करेंगे क्या, तो मेरे हिसाब से आप धीरे धीरे इन्वेंट टेरिटरी बढ़ाइए आपके एरिया में, आपके नियर बाय जो एजेंसी के एरिया उनके रिटेलर्स को कनेक्ट करें, उनसे जाने रिक्वायरमेंट क्या है वो फुलफिल करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आपके पास मैन पावर कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप आपके हर नज़दीक में जो एरिया है हर एक एरिया में ऑर्डर बॉय अपॉइंट कर सकते हैं, उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। डिलीवरी बॉय भी चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, ऑर्डर बॉय डिलीवरी बॉय कॉलिंग के लिए एक पर्सन होना चाहिए जो आप रिटेलर को कॉल करिए, रिटेलर उसको कॉल करे ऑर्डर करने के लिए। इस प्रकार आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी है। साथ में जब भी कोई एडिशनल ऑफर आती है या कोई एडिशनल स्कीम आती है तो आपको रिटेलर को बताना है, कंटिन्यूस रिमाइंड होना चाहिए। साथ में आप अगर एक ग्रुप भी बनाए जो सारे रिटेलर्स का होगा, जहाँ पे आप लेटेस्ट स्कीम लेटेस्ट अपडेट डालेंगे तो वो भी देखेंगे रिटेलर, ठीक है। तो इस प्रकार आप इवन एक कुछ ये भी होते हैं कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हमारे एरिया में फार्मा रैक है जहाँ पे रिटेलर मैपिंग कर सकता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूटर है आप, तो आपसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है, उसको बिलिंग पता भी चल जाएगा और ऑर्डर भी करेगा, आप उनको डिलीवर करें। तो ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है आपके एरिया में, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रेजेंट रहे।
तो वो होता है ये सारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ओके, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? तो मेरे हिसाब से 10 या 12 लाख से आप शुरू कर सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाइए, वैसे आप 30 40 50 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड है आप कितने कंपनी के साथ, कितने ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस की। पहली अपॉर्चुनिटी मतलब बेनिफिट्स यही है कि आप लोग को वेल रनिंग ब्रांड्स होते हैं, तो आपकी ऑर्डर जो होती है उसके लिए मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है कि मेरे ये ब्रांड अच्छे, इसकी क्वालिटी अच्छी है, कंपनी ऑलरेडी उसका एडवर्टाइजिंग कर चुकी है। सेकंड, प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन आते हैं, तो डिमांड है, आपको रिटेलर से डिमांड आ जाएगी। एक बार आप रिटेलर से कनेक्ट करेंगे ना, तो रिटेलर आपको पूछेंगे कि ये ब्रांड भी अवेलेबल है क्या, इसके साथ ये भी है क्या, हमारे यहाँ ये भी चलता है, लाइकवाइज। ओके, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अच्छा ग्रो करेंगे, आप मतलब एक लेवल पे जाके आप ऑटो लेवल पे भी ये बिजनेस लेके जा सकते हैं। जब आपका कनेक्शन हर एक रिटेलर से होता है और आपकी डेली ऑर्डर फ्लो होती है, तो आप जो भी लोग लगवा रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, डिलीवरी कैसे होनी चाहिए वन सिंगल टाइम पे, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग जो स्टॉक मैनेज कर रहे हैं उनको, एंड अगर मैनेजर आप रखते हैं आपके पूरे एजेंसी को हैंडल करने के लिए, तो आप ऑटो लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। एंड इसमें चैलेंजेस भी है, सबसे पहली चैलेंज आती है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट देना होता है, जैसे आपके क्रेडिट पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं है, जैसे मैंने बताया कि पैसा अटक जाता है, वो एक चैलेंज डेफिनेटली आएगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी शुरुआत में, जो आप इन्वेंटरी रखेंगे उसमें और भी बढ़ेगी। जैसे कंपनी जो रखे, फॉर एग्जाम्पल एबॉट रखे, लुपिन रखे, जो भी कंपनी है उसकी इतने सारे ब्रांड है, इतने सारे डिविजन्स है, ऑटोमेटिकली आपको इसमें इन्वेंटरी की चैलेंज आ जाएगी, ये भी रखना है, वो भी रखना है, पैसे कहाँ से लाए। फिर दूसरा एक चैलेंज ये भी है कि आपको कैश में परचेस करना होता है, क्रेडिट नहीं देती कंपनी, तो फिर वो क्रेडिट कैसे लें। ओके, एंड नेक्स्ट चैलेंज ये कैश डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा कैश डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में, 7% तक भी लोग कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि जो स्टॉक आएगा 1% अपने पास रख रहे हैं, पूरा स्टॉक रिटेलर को एक सिंगल ऑर्डर होती है तो वो फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। मतलब इसमें ये भी चीज़ें हैं, कोई बल्क में परचेस, बल्क में सेल कर रहे हैं, कोई जैसे कस्टमर ऑर्गेनिक सेल कर रहे हैं, जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनके अनुसार, एंड कुछ लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जैसे कि अभी एक स्ट्रैटेजी है नो एक्सपायरी नो रिटर्न, ये भी चीज़ें चलती है मार्केट में। तो वो क्या है ना कि आपको देखना है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, उसके अनुसार आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी है। वैसे ये कम मार्जिन वाला बिजनेस है मतलब, लेकिन टर्नओवर काफी ज्यादा होता है, मार्जिन जितना, मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं आप, बट मार्जिन बढ़ाने के लिए आपके पास मतलब अगर एरिया में आपके ज्यादा कंपटीशन नहीं है, वैसे बहुत कम एरिया होंगे जिसमें कंपटीशन नहीं, लेकिन एरिया में कंपटीशन नहीं है, तो आप एक हेल्दी जैसे कैश डिस्काउंट 1.82% ही रखा, दैट्स इट, आप 6% में काफी अच्छा बिजनेस करोगे एज ए अंडरकटर, फिर बढ़ाओगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की मतलब जैसे कि आपने कोई परचेस किया, ओके, जैसे कि कुछ चीज़ें आपने परचेस की, जैसे 100 स्टील पैन 100 बॉटल परचेस किया, और उसके बाद इमिडिएटली दूसरे वीक में कंपनी ने स्कीम अपडेट की और वो एक अच्छी स्कीम है, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ स्टॉक है, तो वो पहले सेल करेंगे फिर नया परचेस करेंगे, तो रिटेलर को ऑलरेडी अगर स्कीम मालूम होती है तो वो आपको नए स्कीम के बारे में पूछेगा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सेल नहीं होगा, ये चीज़ें डेफिनेटली होती है। ओके, एंड अगेन एक्सपायरी मैनेजमेंट, ये भी चैलेंज, आप एक्सपायर होते हैं तो रिटेलर आपको देगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर पहले उनके रिटेलर के CN बनाएगा फिर आपके बनाएगा, तो इसमें ग्लिच हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एलोपैथिक होलसेल कैसे शुरू करें और ग्रो करें। अब अगर आपको इस बिजनेस के बारे में इन डेप्थ जानना, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9-day वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे मैं खुद एकदम स्क्रैच से बताता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन हो या बिजनेस मतलब कौन कौन से ब्रांड, कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, कैसे सेलेक्ट करनी है, कंपनी की ग्रोथ कैसे करें, एक्सपायरी मैनेजमेंट, एवरीथिंग। ओके, तो इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी है होलसेल वर्कशॉप के, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा ये बताइए, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।